नमस्कार, मैं हूँ एसके मालवी और आप देख रहे हैं एस24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं आज की खास खबर। जो आज भोपाल में उपस्थित हैं और उनका ये मन था कि भोपाल में प्रतिमा बाबा जी का एक सुंदरकांड कराया जाए, तो हम सब सेवादार बाबा की उस भावनाओं को लेकर बाबा का सुंदरकांड प्रतिमा के प्रथम मंगलवार यहाँ पर करते हैं। और बाबा का आगमन हमेशा होता है, हम सब लोग बड़े उत्साह के साथ ये पूरे भोपाल वर्ष का, भोपाल संभाग का सुंदरकांड मनाते हैं। 800 से 1000 व्यक्ति शुरुआत में थे, अब लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पूरे भोपाल और मध्य प्रदेश के लोगों को पता चल रहा है, अभी हमारे पास इंदौर, सागर, जबलपुर तक से भक्त हर महीने यहाँ पर आने लगे हैं। केवल सुंदरकांड और बाबा का भंडारा, बाबा का विनय चालीसा, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बाबा का भंडारा रखा जाता है। मैं राजा राम साहू, भक्त मंडल बाबा नीम करौरी महाराज का, जो ये आज का जो कार्यक्रम है, ये विगत 8वां सुंदरकांड है मासिक का, जो प्रथम मंगलवार को हम लोग आयोजित करते हैं पूरे भक्त मंडल के सहयोग से, बाबा के भक्तों के द्वारा उनके सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है और सुचारू रूप से चल रहा है। बाबा के पौत्र श्री डॉक्टर धनंजय शर्मा यहाँ मौजूद रहते हैं, आज उनकी अस्वस्थता के कारण वो अभी यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। बाबा उनको जल्दी स्वस्थ करें, थोड़ा सा स्वस्थ है, वो बाहर से आए हैं, 15 दिन की कहीं टूर में थे वो। बाकी अब मैं, सोनी जी तो सब कुछ बता ही चुके हैं आपको, अब मेरे से क्या, महाराज जी तो महाराज जी हैं, हम उनमें लीन हैं, उनके बारे में हम क्या निर्णय कर सकते हैं, भावनाओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता। महाराज जी का अनुभव ऐसा है, सुंदरकांड होता बहुत अच्छे से होता, सब लोग भक्त मिलकर करते हैं, आनंद आता है। बाबा नीम करौरी महाराज के उपलक्ष में हमारा ये सुंदरकांड और भजन संध्या और हनुमान चालीसा ये करीब करीब 20 साल से चल रहा है हमारा यहाँ भोपाल में। महाराज जी के यहाँ पर स्थापना भी हो चुकी है यहाँ पर 15 तारीख को, जून को, और ये काम महाराज जी की कृपा से निरंतर चलता जा रहा है। और यहाँ के भक्तों का भी बहुत सारा सहयोग रहता है यहाँ पर करने के लिए, भक्त बहुत सारे यहाँ पर हैं, तो हम महाराज से ही कृपा करेंगे कि इसको और आगे बढ़ाने के लिए कृपा करें हमारे लिए और आगे ऊपर तक जाए। I'm gonna say this about a woman and a mother.
इतना ही, हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।